ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। दोस्तों, पहाड़ी वादियों का नाम सुनते ही मन में एक छवि सी उभर के आती है, जिसमें कि बर्फ से ढके हुए पहाड़, हरे भरे पेड़ पौधे और बहुत ही सुहावना मौसम। तो कुछ ऐसी आज की कहानी की शुरुआत होगी हिल्स डायरी की, और ये कहानी शुरू होती है गंगतल से, और इसका अंतिम पड़ाव होगा नंतोली मंदिर। तो मैं जाऊंगा नंतोली मंदिर घूमने, और आज रहूंगा मैं, नाइट स्टे करूंगा मौसी के यहाँ। तो रास्ते के अच्छे अच्छे नज़ारे भी आपको दिखाते हैं, और ले चलते हैं आपको नंतोली मंदिर। तू किसी रेल सी गुजरती है, किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूं। तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम सफर की रातों में तुझे अलाव सा जलाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ। दोस्तों, चूल्हे में बने हुए खाने का मज़ा ही कुछ और है, चूल्हे में बनी हुई फुल्की रोटियों का और साग का आनंद लेने के बाद हमने खूब सारी गप्पें लड़ाई, और उसके बाद हम सब सोने चले गए क्योंकि अगले दिन हमें नंतोली मंदिर जाना था। तो सुबह के बज चुके हैं 7, और सामने पर्वतराज हिमालय मस्तकदान हमारे सामने खड़ा है, और हम लगते हैं थोड़ी देर में खाना खाने के बाद रास्ते। तो हम इस समय नंतोली देवी के मंदिर जा रहे हैं। वहाँ की मान्यता है कि वह गौरी देवी और महिषमर्दिनी देवी की बहन है। वह बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस समय वहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम है। वहाँ मंदिर बहुत ही सुंदर है। पहले वहाँ एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन वहाँ की मान्यता बढ़ने के कारण वहाँ लोग बहुत सारे देखने को जाते हैं, और इस समय वहाँ बहुत ही विशाल मंदिर बनाया गया है। वहाँ उस मंदिर को देखने के लिए बहुत सारे बाहर से लोग भी आते हैं। उनको यहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम लगता है, लेकिन हम बचपन से ही यहीं हैं। हम वहाँ बहुत बार जा चुके हैं, इसीलिए हमें यहाँ का रास्ता बहुत ही सुंदर लगता है। ये मंदिर प्रकृति के बीच में है, तो वहाँ बहुत ही शुद्ध हवा और सबसे अच्छा वहाँ का ठंडा पानी है। जब लोग इस थकावट भरे रास्ते से जाते हैं, तो वहाँ का पानी पी करके वह अपनी थकावट मिटा देते हैं। Thank you.
कदी घरे जाऊं, रोई रोई अखियां सुखी गया पानी मेरी हो। पूछे अम्मा मेरी होना कदी घरे जाऊं, रोई रोई अखियां सुखी गया पानी मेरी हो। कई दिन होए छड़ी में जो गया तू, अपू गया सौगी ले गया मेरी नू। मुझे अम्मा मेरी होना कदी घरे जो, रोई रोई अखियां सुखी गया पानी मेरी हो। क्या आप बियर ग्रिल्स की तरह आप फीलिंग्स यहाँ पर ले रहे हैं क्या? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है। और हाँ, ट्रैकिंग का तो मुझे खासकर काफ़ी ज़्यादा शौक है। ओके। और जाता रहता हूँ मैं ट्रैकिंग पे, वैसे तो वीकली या मंथली मैं एक दो बार चला ही जाता हूँ। बहुत मज़ा आता है। अभी भी हम लगभग 1.5 किलोमीटर से ऊपर की दूरी हमने तय कर ली है। और रास्ता देखिए आप, कितना शानदार लग रहा है। हाँ, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी तक हम तो सुख चैन कभी नहीं मिल। जर कोई मदद नहीं कर दो बोला की जरा मदद के इनका मदद की ले कन या फना लोग सभी यही पर निर्भर ये ये पर तो मदद के इनका हम बाल बच्चों पाला ला जीवन व्यतीत कन के कर सकला बारे बे वने छ ना आमला आदत पड़ी तुम आदत पड़ी हम ने समझन हम लोग कर ले नहीं करला जरूरी है काम को हम यही पर निर्भर छ। अगर हम ये तो निकल हमर बाल बच्चों पालन पर बस कन के कर सकला ये ही पर हम आश्रय छ। यूं तो पथला पथला लिखो तो गोर बछला बिधला है। तब हम दूध ये नहीं तो सुखो तो बाल बच्चों ते स्कूल होते फीस भी तैयार को ला और बाल बच्चों पालन पोषण होते कपड़ा तैयार को ला है। यही काम यही से हम निर्भर छ। यही पर आश्रित बेरोजगार आदमी तो क्या खान तो और वे तो किसी जो चला मला आ जा बजे वाला कपड़ा आज बड़े बड़े काम का दा तो बड़े छ हम कुल हम बोग हमला तो सिर्फ बचत नहीं बोगल ये काम करे कोई फायदा नहीं राशन पानी या कुछ भी अपने खेती पे वन तथा अपने मोलू ने। तुम तो यो बढ़िया लगत कि तुम शहर में जा चार हम का बढ़िया बढ़िया लगत आरो मोर लगा हम ता बढ़िया लगे सब के शांति पर चा जुए जाके जाने जाके ओने कोई मतलब नहीं के डर नहीं बे नहीं। मेरे दिन जे ना ढले वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले तेनु दिल दा वास्ता रबाया दर पे याद के सारा जहां छोड़ छाड़ के मेरे सपने सवार दे तेनु दिल दा वास्ता आज दिन चढ़या तेरे रंग वरगा
यहाँ पर ज्योति भी मेरे साथ आई हुई है, अब इसका भी एक्सपीरियंस पूछेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा मंदिर तक आने का? बहुत अच्छा रहा। शुरुआत में तो आने में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन जैसे यहाँ पर पहुँचे और मंदिर को देखा तो यकीन नहीं हुआ कि इतने सुंदर लोकेशन पर एक ऐसा मंदिर हमें देखने को मिल सकता है, जंगल के बीचों बीच और इतना सुंदर। इसके चारों तरफ जो है, ज़्यादा सर्दी होती है तो यहाँ पर बर्फ़ भी होती है, लेकिन आजकल यहाँ पर घास के बुग्याल हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। खुला सा बुग्याल नुमा एक मैदान और उसके साथ में एक मंदिर, इससे ज़्यादा शांति नुमा कोई जगह नहीं हो सकती। अभी हम इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं एक बहुत बड़े जंगल में, फिलहाल मजा आएगा उसको खाने में। जो माँ अनंतोली का मंदिर है वो हमारी फेवरेट जगहों में से एक है, हम बचपन से यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ का रास्ता जब आप आते हैं तो बहुत ही मतलब जंगल वाला रास्ता है, आपको बहुत दिक्कत होती है चढ़ने में और बहुत ऐसा लगता है कि कितना दूर है, लेकिन जब आप जैसे ही जाते हैं और मंदिर की झलक पाते हैं आपकी पूरी थकावट मिट जाती है। हम बचपन से ही आते जाते रहते हैं और कभी पूजा होती थी या फिर कभी ऐसा ही मन कर दिया दोस्तों के साथ जाने के लिए तो हम खूब चले जाते थे, और जब वहाँ पे जाते हैं तो ऐसे जब हम बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग में आ गए हों। इतनी शांति बहुत ही अच्छी लगती है, मन को भा जाती है। और एक पूरा खुला हुआ मैदान और उसके बीच एक बहुत ही सुंदर मंदिर, तो आप जब देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है और आप सब भूल जाते हैं कि आपने किन कठिनाइयों के साथ इस मंदिर में आए हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा ये सफ़र हुआ समाप्त। पहाड़ की सुंदर वादियों में घूमने में जो आनंद हमें आया वो शायद ही कभी मिल पाए कहीं और। लेकिन पहाड़ जितने सुंदर होते हैं, जितने सुरम्य होते हैं, जितना यहाँ का वातावरण सुंदर होता है, सौम्य होता है, पहाड़ में जीवन उतना ही कठिन है। पहाड़ की महिलाओं को भी हमने देखा, उनसे रूबरू हुए, उनकी बातें सुनी, तो उससे पता चलता है कि पहाड़ दिखने में जितने विराट और सुंदर होते हैं यहाँ का जीवन उतना ही कठिन। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर।